विषय ये है कि हिमाचल राष्ट्रीय अध्यापक संघ का एक तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और वो इस पूरा जो आपदा चली रही उस करके जो लंबा अंतराल इस बार मानसून का रहा उसमें व्यवधान आया है। हमारे खंडों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में हमारे मुख्य चुनाव बात करेंगे। उसके बाद हमारे जिलों के चुनावों की डेट्स जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है और उसके साथ साथ हमारे जो राज्य कार्यकारिणी के चुनाव है उसकी तिथि और उसका वेन्यू भी निर्धारित कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर को हमीरपुर में जो टाउन हॉल है वहाँ पे हमारा राज्य का चुनाव होना है, उसमें क्या प्रक्रिया होगी वो भी अरुण डेरिया जी आपको बताएंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके समक्ष ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ऐसा संगठन हिमाचल प्रदेश के अंदर है कर्मचारियों का, जिसमें अलग से एक चुनाव आयुक्त नियुक्त होता है जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को देखता है। पर दुर्भाग्यवश फिर भी कुछ जो स्वयंभू लोग हैं, स्वयंभू नेता है, वो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, अपने लेटर पैड को चमकाने के लिए वो आए दिन जो है आपके माध्यम से अखबारों में आते हैं कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के फलाना प्रधान नरेश महाजन, कभी एक स्वयंभू नेता हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रधान कार्यकारी प्रधान के रूप में कैलाश ठाकुर जी भी आपके समक्ष कई बार आते हैं, उन्होंने भी बयान व्यक्त किए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को ये कहना चाह रहा हूँ, ये सत्ता के साथ साथ जो एक जिस तरह की मशरूम ग्रोथ होती है वो सत्ता का लाभ उठाने के लिए, ना कि कर्मचारियों के फायदे और उनके मुद्दों को हल करने के लिए संगठन बनते हैं। ये कुछ सरकार के इशारों पे कुछ संगठन पनपते हैं और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने एजेंडे के लिए संगठन का कोई विघटन करने का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो लोग उन लोगों का हश्र आप देख रहे हैं। किसी संगठन की, किसी व्यक्ति की, किसी के नाम से आपने कोई प्रेस खबर नहीं पढ़ी होगी, कोई प्रेस रिलीज आपके समक्ष नहीं आई। पिछले 9 महीने में किसी भी कर्मचारी संगठन ने, किसी भी शिक्षक संगठन ने कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे को नहीं एड्रेस किया। 3 वर्ष का हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का ये टर्म होता है, तो 6 वर्ष पहले जो चुनाव का हमारा तरीका था संगठन में, ऐसा फैसला हुआ कि उसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो संगठन का संविधान है उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए, एक स्वतंत्र, एक निष्पक्ष बॉडी बनाई जाए और उस बॉडी का चुनाव जो है हाउस में हो, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उसके सपोर्टिंग में स्टेट कमिश्नर हों और वही पूरे हिमाचल प्रदेश के चुनाव संगठन के देखें। सरकार को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए और निवेदन किया जाए कि जिले के चुनाव हों चाहे राज्य के चुनाव हों और उसमें सरकार का भी कोई प्रतिनिधि आए और ऑफिशियली और ऑब्जर्व करे, ताकि लेजिटिमेसी जो है उस इलेक्शन को इलेक्शन के बाद मिले। और ये दूसरी मर्तबा है कि जो चुनाव त्रिवार्षिक चुनाव जो है 23 से 26 तक का जो चुनाव है, इसके लिए फिर से मार्च 2023 में धर्मशाला में एक आम सभा संगठन की हुई और उसमें मेरे कंधों पे जो है भार डाला गया कि आप जो हैं ये चुनाव करवाएंगे। और 2019 से 22 वाला जो चुनाव था, मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि सबसे बड़े संगठन के उस वक्त ही मुझे मौका मिला और आज अभी ये मेरी उसमें हो रहे हैं चुनाव। तो 12 जिले हैं, 12 जिलों में 134 लगभग ब्लॉक जो हैं हमारे एक्टिवेटेड हैं और खंडों के चुनाव, जहाँ जहाँ जिलों के चुनाव हो चुके हैं, जैसे उसमें हमारे ऊना जिला का चुनाव हो चुका है, चंबा का हो चुका है, हमीरपुर का हो गया है और 9 जिले हमारे शेष हैं और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। माननीय शिक्षा मंत्री से हमने आज समय लिया है और उनको भी शिक्षा सचिव से, माफ़ करें, तो शिक्षा सचिव महोदय से हमने समय लिया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम तुरंत शिक्षा सचिव महोदय से मिलके और नोटिफिकेशन ये उनको भी देंगे